अभी हम फाइव स्टार चौरंगी पे खड़े हैं। यहाँ पर बल्दिया दिलावस्सी की मुख्तलिफ जगहों पर टीम भी काम कर रही है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को भी इंगेज किया है। ये वो जगह है जहाँ पर कंटेमिनेशन हो रही थी, पानी की लाइन थी और इधर एक्सकेवेटर लगाए हैं। दूसरी जानब ये हिस्सा है जहाँ पर अभी काम चल रहा है और ग्रीन बस की वजह से हो रहा है। शाकिर भाई मेरे साथ वाइस चेयरमैन मौजूद हैं। शाकिर भाई बताइए। ये रिहान भाई वो दो तीन पॉइंट हैं मेन फाइव स्टार चौरंगी पर, जहाँ पे ग्रीन बस ने जब सड़क की ब्रिज की तामीर की तो ये नाला अंदर उन्होंने बंद कर दिया, उसमें सिल्ट आपके सामने निकलवा रहे हैं। तो एक तो नाले को डिसिल्ट कर रहे हैं ताकि फाइव स्टार पर जो पानी नाले से ओवरफ्लो होता है उसका मसला हल हो। तीसरा यहाँ पे आपके सामने आपने देखा कि यहाँ पे कंटेमिनेशन वाटर बोर्ड की वाटर एंड सर्विस बोर्ड की गलती से नाले के अंदर से वाटर पीने के पानी की लाइन जा रही है, उसको भी रिप्लेस करवाया। तीसरा कि जो नाले साफ करा दिए थे पिछले हिस्से में उनके गब उठाने का काम मुसलसल जारी है। अच्छा, वो काम कर रहे हैं आप जो आपके हिस्से का नहीं था, क्योंकि बरसात तो हो रही नहीं है। बिल्कुल सही है, ये सबसे बड़ी मिसाल है आपके सामने कि बरसात नहीं है उसके बाद भी नाला ओवरफ्लो कर रहा है और गटर का पानी पे काम कर रहे हैं जबकि सीवरेज एंड वाटर बोर्ड आपके पास नहीं है। जो इस बात को साबित कर रहा है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली का अजाब बल्दियाती इंतजामिया को उठाना पड़ रहा है और बल्दियाती इंतजामिया वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के काम की सर अंजाम दे रही है। अच्छा, वो जो लाइल्म लोग हैं या कम इल्म लोग हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि खुदा करे शहर का निज़ाम शहरियों के हाथ में आ जाए ताकि शहर अपने जोबन पे आए। थैंक यू।